यस यस सर, भाई, एक क्लास और है ना, तो अभी सेकंड क्लास और होगी आज ही, ठीक है। यस तो आज हम पढ़ने वाले हैं मोशन इन वन डायमेंशन। तो कुछ बेसिक बेसिक चीजें आज हम देख लेंगे और क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के, क्लास होने। तो पहले तो ये बताओ, M1D होता क्या है? मोशन इन वन डायमेंशन होता क्या है, क्या होता है, कोई बताएगा? अरे लास्ट ईयर बताया होगा ना मैंने। सर, जब मोशन स्टेट लाइन, हाँ बेटा बोलो प्रिया। सर जब मोशन स्ट्रेट लाइन में होगा, ठीक है। जब हमारी मोशन स्ट्रेट लाइन में, मतलब होता है कि ऐसे जा रहा है और ऐसे ही वापस आ रहा है, यानी कि इसको डिफाइन करने के लिए अगर मैं यहां को रेफरेंस ले लूं, क्या बोल सकता हूं 10 मीटर चला, 15 मीटर चला, 20 मीटर चला? ओनली एक चीज मेरे को पता, ओनली वन कोऑर्डिनेट चाहिए, जिसको डिफाइन करने के लिए वन कोऑर्डिनेट चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए? तो उसको हम क्या यही बोलेंगे, 1D, मोशन इन 1D। 1D अगर दो कोऑर्डिनेट चाहिए टूटी तो हम 2D, हम पढ़ेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन, जिसमें हम पढ़ेंगे 2D को। और अगर तीन कोऑर्डिनेट चाहिए तो 3D 3D, सिंपल। तो हमारे सिलेबस में 1D और 2D है, 3D नहीं है, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं फिर। तो एक्चुअली मोशन होता क्या है? मोशन एक्चुअली में एक रिलेटिव चीज होती है, मोशन और रेस्ट। कोई चीज मोशन में है या रेस्ट में है, आप कैसे बताते हो, कैसे बताते हो? एक बात बताओ, आप जमीन पे खड़े हुए हो और बस आपके सामने से निकल के जा रही है, वो मोशन में है या रेस्ट में है? बस मोशन मोशन में है। लेकिन बस के अंदर जो बैठा हुआ है उसको आप पीछे की तरफ मूव करते हुए दिख रहे हो, बस बस के अंदर जो बैठा हुआ वो बोल रहा है कि आप पीछे की तरफ मूव कर रहे हो, कौन सही है दोनों में? तो एक्चुअल में आप पीछे की तरफ मूव कर रहे होते हो, कौन सही है दोनों में? दोनों से दोनों सही है, दोनों सही है। ये चीज रिलेटिव पोजीशन पर डिपेंड करती है। चलो एक एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल से समझते हैं। एक बात बताओ कि आप यहाँ पर बैठ के क्लास ले रहे हो, रूम में बैठ के। आप जो लोग लास्ट ईयर पढ़े होंगे, अगर मेरे से पढ़े होंगे तो उनको धुआं धुआं कुछ कुछ चीजें याद आ रही होंगी कि हाँ कुछ ऐसा एग्जाम्पल दिया था। आपकी मम्मा आपको देख रही है रूम से, उस जिस रूम में आप बैठे हो उसी रूम में आपकी मम्मा बैठी हुई है, आपकी मम्मा आपको दे रही है, देख रही है। तो आपको क्या लगेगा, आपकी मम्मा को क्या लगेगा, आप रेस्ट में हो या मोशन में हो? रेस्ट पर रेस्ट देख पे पे हो। अच्छा एक्चुअली मैं आपको अगर देखूं तो आप किस पे हो, रेस्ट पे हो या मोशन में? रेस्ट पर रेस्ट रेस्ट पे पे, ठीक है भाई। अब एक बात बताओ, उसी रूम में बैठे हुए हो और आपकी मम्मा को भेज दिया स्पेस में, अब आप किस में हो, रेस्ट में या मोशन में? ठीक मोशन में। है, मोशन में। देखो आप सेम जगह पे सेम तरीके से क्लास ले रहे हो, अब आप जब आपकी मम्मा स्पेस में चली गई तब आप अब आपको देख रही हैं, तो क्या हो रहा है, आप मोशन में आ गए। इसका मतलब क्या है कि जो रेस्ट और मोशन कंडीशन होती है एक्चुअली में कुछ होता नहीं है, एवरीथिंग इज मूविंग, सो मोशन इज अ कंबाइंड प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जर्वर एंड ऑब्जेक्ट। ये मोशन जो होती है वो कंबाइंड प्रॉपर्टी होती है दोनों की, ऑब्जर्वर एंड ऑब्जेक्ट। डिपेंड कर रहा है आप देख कहां से रहे। आप जमीन पे खड़े हुए थे, बस आपके सामने जा रही थी, बस के अंदर कोई बंदा बैठा हुआ था, आपको वो मोशन में लग रहा था, लेकिन बस के अंदर जो बैठा हुआ है उसको आप मोशन में लग रहे हो, बैकवर्ड डायरेक्शन, वो खुद को रेस्ट में मार रहा है। तो डिपेंड करता है कि कौन ऑब्जर्वर एंड ऑब्जेक्ट। एक्चुअली में देयर इज नथिंग लाइक एब्सोल्यूट मोशन और एब्सोल्यूट रेस्ट। एब्सोल्यूट मोशन की बात करें, मतलब एक्चुअल में दुनिया में से कहीं से भी मैं देखूं किसी भी चीज को तो वो मोशन में है या रेस्ट में है, तो मैं ऐसा कुछ होता ही नहीं है। बोलो चमका, यस सर,
ठीक है, अब हम आते हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट पर। देखो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का सिंपल सा फंडा बता दूं मैं आपको। देखो ये बंदा यहां से स्टार्ट कर रहा है, 6 तक गया, लौट के आ रहा है 2 तक आ गया, क्या 10 मीटर हो रही है? मतलब आप कहीं भी घूम के जाओ, ये आपका घर है, ये आपका स्कूल है, आप चाहे ऐसे जाओ चाहे ऐसे जाओ चाहे ऐसे जाओ, किसी भी तरीके से चल के जा रहे हो, जो एक्चुअल में आप डिस्टेंस कवर किए हो उसको हम क्या बोलते हैं? डिस्टेंस बोलते हैं। आ रही बात समझ में? यस सर। डिस्प्लेसमेंट किसको बोलते हैं फिर? डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, आप देखो कि डिस्प्लेसमेंट में यहां से बंदा स्टार्ट कर रहा है, देखिए यहां से स्टार्ट कर रहा है, 6 तक गया, फिर जब लौट के आ रहा है तो देखो घट रही है ये डिस्टेंस, घट रही है, देखो 2 पे आ गया तो 2 मीटर रह गए। इसका मतलब द डिफरेंस बिटवीन फाइनल पोजीशन एंड इनिशियल पोजीशन, या फिर बोले कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन। अब देखो यहां इसी वाले एग्जाम्पल में बात करूं तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, यहां से यहां तक की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये आपका होगा डिस्प्लेसमेंट। और ये जो रेड वाले हैं ये क्या होंगे? सारे के सारे डिस्टेंस। आ रही बात समझ में? यस सर। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में समझ में आई, दोनों कॉन्सेप्ट समझ में आए? यस सर। ठीक है, आगे बढ़े। यस सर। यस सर। अब हम आते हैं पोजीशन वेक्टर पर। पोजीशन वेक्टर क्या होता है भाई? पोजीशन वेक्टर होता है आपका, पोजीशन वेक्टर इज रिप्रेजेंट द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट, पोजीशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन, विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन। जैसे मान लो यहाँ पे आपका ओरिजिन है, आपके ऑब्जेक्ट की क्या पोजीशन है? जैसे मान लो इसका एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, जेड कोऑर्डिनेट दे रखे, तो इस पोजीशन वेक्टर को हम लिखते हैं आर वेक्टर, आर से डिनोट करते हैं, तो एक्स आई कैप, वाई जे कैप, जेड के कैप। एक्चुअली में होता क्या है, जैसे दो कॉर्ड, तीन कोऑर्डिनेट होते हैं आपके, एक्स वाई एंड जेड। जो एक्स डायरेक्शनल डिस्टेंस चली हुई होती है उसको हम शो करते हैं आई कैप से, जो वाई डायरेक्शन चली होती है उसको हम शो करते हैं जे कैप से, और जो जेड डायरेक्शन होती है उसको के कैप से। अब इनका जब उल्टा होता है, जैसे मान लो इस डायरेक्शन में माइनस के एक्स होगी, इस डायरेक्शन में माइनस के वाई होगी, इस डायरेक्शन में माइनस के जेड होगी, तो उनको माइनस जे, माइनस के और माइनस आई, इन सब से शो करते हैं। तो एक्चुअली में आप कहां पर बैठे हो, आप कहां पर बैठे हो उसकी एग्जैक्ट पोजीशन बताने वाले इन वेक्टर फॉर्म में तीनों कोऑर्डिनेट को बताने वाली चीज को हम क्या बोलते हैं? पोजीशन वेक्टर बोलते हैं। एक्चुअली उसने नाम से ही बता दिया है, पोजीशन, पोजीशन नाम से ही पता चल रहा है कि जो चीज आपकी पोजीशन बताए। पोजीशन का मतलब ये नहीं कि आप सोसाइटी में क्या पोजीशन है, विधायक हो, सांसद हो, प्रधान हो, गांव के कौन हो, ये वाली पोजीशन नहीं। आपकी किसी भी ऑब्जेक्ट, मान लो पंखा लगा हुआ है, तो पंखा की पोजीशन क्या है? गेट से इतना हॉरिजॉन्टल में दूर है, इतना ऊंचाई है और इतनी राइट साइड में दूर है, तो ये सारी पोजीशन किस पंखे की बताना इन वेक्टर फॉर्म, उसी को हम क्या बोलते हैं? पोजीशन वेक्टर। वो बोलो चमका। यस सर। वो आता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पे। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है भाई? देखो हमने डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट पढ़ा था। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है? द डिफरेंस बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन वेक्टर, फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन वेक्टर। कैसे भाई? देखो जैसे कि मान लो आपका एक ऑब्जेक्ट था यहां पे कोई ऑब्जेक्ट था पहले, उसका पोजीशन वेक्टर था मेरा x1, y1, z1, और इसका था मान लो x2, y2, z2, तो इनको उसके फॉर्म में कैसे लिखेंगे? वेक्टर के फॉर्म में। इसको छोड़ो, इसको छोड़ो, इसको भूल जाओ, मैं थोड़ा अच्छे तरीके से बता दूंगा आपको, बिना इसके बता दूंगा। मतलब इस पोजीशन वेक्टर आर वन को क्या लिख सकते हैं? एक्स वन आई कैप, वाई वन जे कैप, जेड वन के कैप लिख सकता हूँ पोजीशन वेक्टर, अभी जैसे बताया। यस और नो? यस। सिमिलरली माना कि मान लो आप ये पॉइंट P1 मान लो, ये पॉइंट P2 मान लो, P2 पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है? X2, Y2, Z2, तो इसको क्या लिखूंगा? X2 I cap, Y2 J cap, Z2 K cap।
हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस के इनिशियल पोजीशन वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मैं बोलूं कि एस वेक्टर इक्वल टू आर टू वेक्टर माइनस के आर वन वेक्टर। अब देखो जब वेक्टर में हम ऐड करें या मल्टीप्लाई करें सब्ट्रैक्ट करें तो हम करते क्या है, आई वाले के साथ में जे वाले का जे के, के वाले का के वाले के साथ। तो अब क्या करोगे, एक्स वन आई कैप प्लस वाई वन जे कैप प्लस जेड वन के कैप माइनस एक्स टू आई कैप प्लस वाई टू जे कैप प्लस जेड टू के कैप, ये ब्रैकेट में। अब आप देखोगे जब आई का आई वाले के साथ माइनस करोगे तो क्या आएगा, एक्स टू फाइनल में यहाँ पर टू टू आएगा ना, उल्टा लिख दिया मैंने, ये टू आएगा, ये फाइनल पोजीशन वेक्टर टू वाला है ना, ये इनिशियल वन वाला है, उल्टा लिख दिया हमने। तो क्या आएगा, एक्स टू माइनस एक्स वन, ये एक्स वन वाई वन जेड वन आपके माइनस के हो जाएंगे इस माइनस साइन की वजह से। तो एक्स टू माइनस के एक्स वन आई कैप, वाई टू माइनस के वाई वन जे कैप, जेड टू ये वन रहने दिया फिर से, जेड टू माइनस के जेड वन के कैप। तो ये हमारा आ गया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अरे बात समझ में है भाई? यस यस। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्लियर हुआ कैसे निकालते हैं? एक्चुअली थोड़ा सा फास्ट इसलिए चल रहा है क्योंकि हमारा ऑलरेडी ये क्या है, रिवीजन लेक्चर है, रिवीजन लेक्चर है, तो थोड़ा सा फास्ट हो चलना पड़ेगा बेटा, ठीक है। अब जरा क्वेश्चन करो, ये आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा है, ये क्वेश्चन करो। इसके लिए अगर कोई हिंट चाहिए तो बता दीजिएगा, हिंट में दे दूं, एक डायग्राम बनेगा इसमें, जरा ध्यान से बनाओ।
है किसी का आंसर? चलो एक और हिंट दे देता हूं मैं आपको। अरे हिंट में तो आ ही गया पूरा क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अ बॉय स्टार्ट फ्रॉम हिज होम एंड वॉक 500 मीटर ड्यू टू साउथ। देखो इससे एक डायग्राम बनेगा, देखो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ये मान लिया हमने। अब देखो जहां पे हम बैठे हैं, ये मान लो यहां से हमारा घर है, यहीं से हम स्टार्ट है, ये हमारा ईस्ट माना, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ठीक है। किधर चल रहा है? 500 मीटर ड्यू टू साउथ, 500 मीटर नीचे की तरफ आओ, साउथ की तरफ, साउथ की तरफ, साउथ की तरफ, यहां पे आ गए भाई। यहां पे आने के बाद फिर से बना लो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, 400 मीटर ड्यू टू वेस्ट, वेस्ट की तरह भाई, वेस्ट की तरह 400 मीटर वेस्ट की तरफ आ गए, ठीक है 400 मीटर यहाँ पे आ गए। फिर से बना लो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। अब जरा देखो फिर क्या बोला, 200 मीटर ड्यू टू नॉर्थ, 200 मीटर नॉर्थ की तरह ऊपर है, नॉर्थ यहाँ पे आ गए। अब फाइनल यहाँ पे आ गए, ड्यू टू नॉर्थ टू रीच इज स्कूल, वॉट वॉट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाई द बॉय। देखो डिस्टेंस क्या होती थी, टोटल कितना चला है, टोटल कितना चला है, 500 प्लस 400 प्लस 200, तो डिस्टेंस कैसे आ जाएगी, 500 प्लस 400 प्लस 200 कितना, 1100 मीटर। कोई दिक्कत किसी को? नो सर। देखो डिस्प्लेसमेंट की बात आती है, डिस्प्लेसमेंट एक तो दो तरीके हैं, एक तो आप इस तरीके से वेक्टर फॉर्म में निकाल लो, मैं बताता हूँ आपको शॉर्टकट तरीका। देखो शॉर्टकट तरीका क्या है भाई, क्या आपको ये ट्रायंगल दिख रहा है, ये वाला ट्रायंगल, ये ट्रायंगल, जैसे मैं इसको एच एच नाम है, एच एस इसको ले देते हैं के, देखो ट्रायंगल एस के एच, एस के एच को देखो यार, ये एंगल 53 डिग्री है। अच्छा ये 53 कैसे निकाला, छोड़ो इसको 53 रहने दो, ये क्या ये 400 है, 400 होगा ये बताओ, ये होगा कि नहीं भाई? देखो ये जितना डिस्टेंस है क्या ये उतना ही डिस्टेंस होगा? अब इस डिस्टेंस की बताओ रहा एच के की, ये टोटल कितना चला है 500 और ये कितना चला था 200, क्या ये 300 होगा ये वाला डिस्टेंस, होगा कि नहीं? तो देखो हमें ये साइड पता है, ये साइड पता है, क्या हम ये वाली एस नेट निकाल सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम? यस सर। पाइथागोरस थ्योरम से क्या होगा, अंडर रूट में 300 का स्क्वायर प्लस 400 का स्क्वायर, तुम्हारा क्या आएगा 4/3, नहीं 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 4/3 से आएगा 500 मीटर आएगा ना, 900 प्लस 1600 9 पे क्या आएगा, 4 जीरो आएंगे प्लस 16 पे 4 जीरो आएंगे, तो दोनों को ऐड करेंगे 25 पे 4 जीरो हो जाएंगे, 25 पे 4 जीरो आ जाएंगे, तो 25 का 5 बार आ गया और 4 जीरो में से 2 जीरो बाहर आ जाएगा अंडरवुड के बाद, तो हमारा कितना हो जाएगा 500 मीटर रिज्यूम करेक्ट आंसर। बोलो चमका। यस सर। यस सर। ठीक है अब हम आते हैं स्पीड एंड वेलोसिटी के डिफरेंस। अब भाई स्पीड क्या होती है, क्यों बताएगा स्पीड क्या होती है, स्पीड के बारे में कुछ कोई अपना राय देना चाहे? डिस्टेंस अपॉन टाइम की इक्वल होती है। डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है, और वेलोसिटी? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, एग्जैक्टली करेक्ट, बिल्कुल हर्ष ने बिल्कुल सही बात बोली कि जो स्पीड होती है वो डिस्टेंस अपॉन टाइम होती है, लेकिन वेलोसिटी हमारी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होती है। अच्छा स्पीड का क्या मतलब है, स्पीड का क्या मतलब? डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम, कि कितने टाइम पर्टिकुलर टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया बॉडी ने। मतलब देखो अगर मैं बोलूं कि ट्रेन की स्पीड 100 मीटर पर सेकंड है, या फिर मैं बोलूं कि ट्रेन की वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकंड है, कौन सी बात सही है इसमें, कौन सी बात बोलना ज्यादा सही है? वेलोसिटी। नहीं बेटा, क्योंकि मैंने डायरेक्शन नहीं बताई है तो वेलोसिटी बोलना गलत है। वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी जिसको डिफाइन करने के लिए मुझे दो चीजों की जरूरत पड़ेगी, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन।
तो मैंने 100 मीटर पर सेकंड जो बोला है वो ओनली मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है। आ रही बात समझ में? यस सर। अब स्पीड की बात अगर आप करोगे तो स्पीड क्या है, मेरी स्केलर क्वांटिटी है, उसके लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ेगी। तो मैंने 100 मीटर पर सेकंड बोला कि ट्रेन की स्पीड 100 मीटर पर सेकंड है, तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि स्पीड के लिए ओनली ऑन स्केलर क्वांटिटी की, स्केलर क्वांटिटी तो ओनली ऑन मैग्नीट्यूड की जरूरत है। तो ये चीज बहुत ज्यादा कंफ्यूज करती है, स्पीड एंड वेलोसिटी। इसको जरा ध्यान से देखिएगा कि द स्पीड इज टाइम रेट ऑफ द ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग द पाथ। इसको छोड़ो, ये डेफिनेशन क्या ही करेगी। स्पीड होती है डिस्टेंस, मेन बात डिस्टेंस, डिस्टेंस ट्रेवल्ड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई अ बॉडी इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम। देखो दोनों की यूनिट हमारी मीटर पर सेकेंड होती है, दोनों की, और दोनों लगती भी सेम जैसी, ऐसा लगता है दोनों एक ही चीज है। सर पागल बना रहे हैं? पागल नहीं बना रहे, ये आपकी, इसके लिए ओनली मैग्नीट्यूड चाहिए, ओनली मैग्नीट्यूड चाहिए, इसके लिए मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों चाहिए इसको डिफाइन करने के लिए, इसके लिए ओनली मैग्नीट्यूड चाहिए। तो देखो डिस्टेंस ट्रेवल्ड, डिस्टेंस क्या होती थी आपकी, वेक्टर क्वांटिटी होती थी, स्केलर क्वांटिटी होती थी, डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी, और डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम इज नोन एज स्पीड। इसमें देखो डिस्प्लेसमेंट है। अच्छा डिस्प्लेसमेंट क्या होता था आपका, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, वेक्टर है, और डिस्टेंस क्या है आपका, स्केलर है। तो एक वेक्टर क्वांटिटी डिवाइडेड बाई टाइम क्या देगी, एक वेक्टर क्वांटिटी ही देगी। अरे बात समझ में? Yes, sir. तो वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो हमारी स्पीड जो होती है एक स्केलर क्वांटिटी होती है, और वेलोसिटी होती है एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। और स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अच्छा सबसे मेन चीज, स्पीड ऑफ अ बॉडी इज पॉजिटिव होगी या जीरो होगी, आप कोई बता सकते हैं कैसे? देखो सारी चीज पढ़ चुके हो आप, हम रिवाइज कर रहे हैं इसीलिए मैं आपसे ज्यादा चीजें पूछ रहा हूं। कोई बता सकता है क्या कैसे, हाउ? सर क्योंकि डिस्टेंस जो वो हमेशा पॉजिटिव होता है। नेगेटिव क्यों नहीं हो सकता बेटा? बिल्कुल सही बोली है आपने, ये बात बिल्कुल सही है कि डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है। सर जैसे कि अगर हम डिस्टेंस किसी चीज का 1 मीटर ले रहे हैं, पर उसका डिस्प्लेसमेंट जो उसे कम आ रहा है, तो वो डिस्प्लेसमेंट तो नेगेटिव में भी जा सकता है। क्यों 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 मतलब? सर मतलब जैसे हाँ, हर एक अंशिका को बोल लेते जरा। हाँ अंशिका बताओ। सर मतलब डिस्टेंस जो वो ज्यादा से ज्यादा होगा। ठीक है, आप क्लोज पहुंच रहे हो, क्लोज पहुंच रहे हो, बट करेक्ट नहीं पहुंच पा रहे हो। हाँ ठीक है, हर साहब बताओ बेटा। सर डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, तो हमेशा पॉजिटिव ही होगी। यस दिस इज द करेक्ट आंसर। देखो एक्चुअली में क्या है कि माना कि मैंने कोऑर्डिनेट बना दिए यहाँ पे, ठीक है, ये मेरा पॉजिटिव एक्स है, ये मेरा नेगेटिव एक्स। डिस्टेंस को डायरेक्शन से कोई मतलब ही नहीं है। माना कि आप चल के जा रहे हो, चल के जा रहे हो, आप यहां पे पहुंच गए, तो आप, तो क्या होगा, आपका डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों आपके क्या होंगे, पॉजिटिव। लेकिन अगर आप इधर कहीं बैठ, इधर कहीं हो, तो आपका देखो डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट को डायरेक्शन से फर्क पड़ता है, डिस्टेंस को डायरेक्शन से कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसीलिए अगर आप मिनिमम से मिनिमम डिस्टेंस क्या हो सकता है, जीरो हो सकता है, बैठे हो आराम से, कुछ काम नहीं कर रहे हो, दिन भर बैठे हो, तो आपका डिस्टेंस क्या होगा, जीरो होगा।
तो डिस्प्लेसमेंट भी जीरो होगा। एक चीज और बता दें कि हमेशा डिस्टेंस ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू होता है डिस्प्लेसमेंट के, हमेशा ये बात ध्यान रखना कि कभी भी डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से ज्यादा नहीं हो सकता, ज्यादा से ज्यादा दोनों चीजें इक्वल हो सकती हैं, डिस्टेंस हमेशा ज्यादा होगा। तो देखो इसीलिए हमारा क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी है हमारा डिस्प्लेसमेंट, तो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, लेकिन डिस्टेंस हमारा ओनली स्केलर क्वांटिटी है तो या तो पॉजिटिव होगा या जीरो होगा, नेगेटिव नहीं हो सकता। बोलो चमका। यस यस सर। आगे बढ़े। एवरेज वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी किसे बोलते हैं भाई? देखो एवरेज वेलोसिटी किसको बोलते हैं, देखो वेलोसिटी ये तो बात समझ में आ गई कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होती है। अब एवरेज का मतलब क्या है, माना कि आप आगरा से हिमाचल से आप गए दिल्ली, हिमाचल से दिल्ली जाने में मान लो 4 घंटे लगे और 400 किलोमीटर है, मान लिया मैंने 400 किलोमीटर और 4 घंटे लगे, तो आपकी गाड़ी की स्पीड क्या रही होगी? 100 किलोमीटर पर आवर। अब मेरे को एक बात बताओ, बीच में टोल टैक्स पड़ गया क्या, उस पर भी 100 किलोमीटर पर आवर थी? नो सर। बीच में कहीं आप खाना खाने के लिए या फिर चाय पीने के लिए रुक गए, उस टाइम पे भी जीरो थी, टोल टैक्स पे भी जीरो हुई होगी, बीच में कहीं और मान लो किसी को लिफ्ट दे दी, कुछ भी सही, वॉशरूम गए, तो उस टाइम पे आपकी स्पीड जीरो थी। लेकिन अकॉर्डिंग टू दिस एवरेज वेलोसिटी क्या बोल रहा है कि आप जब से वहां से चले थे और जब तक दिल्ली पहुंचे 100 किलोमीटर पर आवर आपकी स्पीड थी। तो एक बात बताओ कि जो आपकी स्पीड एक्चुअल में कभी कभी 100 से ऊपर गई होगी या 100 से हमेशा नीचे रही होगी? ऊपर गई होगी, तभी तो आप रेस्ट पे थे उस टाइम का, वो कर लिया है उसने। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम को हम क्या बोलते हैं, एवरेज वेलोसिटी बोलते हैं। जो अभी मैंने पूछा, आपने बोला कि 100 किलोमीटर पर आवर थी, वो एक्चुअल में क्या थी, एवरेज वेलोसिटी थी। तो अगर मैं आपको फोन करके पूछूं कि बेटा आप एक बात बताओ, जिस टाइम पे आप टोल टैक्स पे खड़े हुए थे उस टाइम तक की वेलोसिटी क्या थी? जीरो थी। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोलते हैं। किसी एक इंस्टेंट पे बहुत छोटे टाइम इंटरवल में, मैं बोलूं कि माना कि आप जब टोल पे खड़े हुए थे तो आप धीमे धीमे चल रहे, धीमे धीमे देखो आप इस बंदे को अगर आप देखो, तो देखो जरा रेड लेता हूं, जब ये यहां से चल रहा है तो देखिए 4 तक देखो 6 से चल रहा है, फिर देखो रुक गया मतलब जीरो। एवरेज वेलोसिटी आप देखोगे 3.5 मीटर पर सेकंड है ये राइट साइड। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी देखो, इसकी करंट स्पीड पे डिपेंड कर रही है, करंट क्या वेलोसिटी है उस पे डिपेंड कर रही है। देखो यहां से जब चल रहा है यहां तक, यहां से देखो 6, यहां पर रुक गया जीरो हो गई, फिर 4 से चलने लगा, टोटल एवरेज टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, कितना टाइम लिया एंटायर ट्रिप का, कितना 3.5 मीटर पर सेकेंड। और ये जो बताता है, ये जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है वो उस टाइम पे वेलोसिटी बताता है। अच्छा एक और एग्जांपल मैं आपसे पूछता हूँ, जो आप गाड़ी में चल रहे हो आपके जो स्पीडोमीटर होता है जो आपकी स्पीड बताता है कि इस टाइम पे गाड़ी इस स्पीड से चलती है, वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बताता है या एवरेज वेलोसिटी? इंस्टेंटेनियस। उस टाइम पे एक्चुअल में उस सेकंड में कितनी वेलोसिटी थी, जो अब तो डिजिटल वाले आ गए ना तो 1 सेकंड की भी बता देते हैं, उस सेकंड में क्या वेलोसिटी थी वो ये वाली वेलोसिटी बता देता है। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हम कैसे निकाल सकते हैं, किसी एक छोटे टाइम इंटरवल में, कि मान लो कि मैंने 1 सेकंड के बीच में देख रहा हूं, तो 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, कितना डिस्प्लेसमेंट किया डिवाइडेड बाई वो छोटा टाइम इंटरवल में कितना ले रहा हूं डेल्टा टी। और ये जितना छोटा लोगे क्या उतना ही एग्जैक्ट इंस्टेंटेनियस स्पीड आएगी, मेरी वेलोसिटी आएगी? यस और नो? यस सर।
तो हमने क्या किया कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, देखो एवरेज तो समझ में आ गया आपको, फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, ये तो हमारा एवरेज वेलोसिटी था जो स्टार्टिंग में जब मैंने आपको बताया था कि टोटल कितना चले 400 किलोमीटर, टाइम लगा चार घंटे, तो आपने बोल दिया था कितना 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वेलोसिटी से, तो वो क्या थी आपकी एवरेज वेलोसिटी थी। इंस्टेंटेनियसली क्या करोगे कि डेल्टा एस ओवर डेल्टा टी, यानी कि किसी छोटे टाइम में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ और वो कितना है हमारा छोटा टाइम, तो हम जितना छोटा टाइम लेंगे डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, टेंड्स टू जीरो का मतलब है बहुत छोटा टाइम इंटरवल ले रहे हैं, उस टाइम में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो हम निकालते हैं हमारा जनरली आता है v इक्वल टू डी एस ओवर डी टी, यानी कि v वेलोसिटी इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ डिफरेंशिएशन, इसको हम आगे चल के बोलेंगे डिफरेंशिएशन करेंगे डी एस ओवर डी टी, जैसे डिस्प्लेसमेंट का कोई एक्सप्रेशन दिया हुआ है हमें वेलोसिटी पूछा है तो डी एस ओवर डी टी, या फिर एक्स दे रखा है डी एक्स ओवर डी टी, तुम्हारा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या आई डी एस ओवर डी टी, बोलो चमका सबको, यस सर। एवरेज वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्लियर हुई सबको? यस सर। अब जरा क्वेश्चन करो भाई, करो ये बॉडी मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन विथ वेलोसिटी फॉर वी वन फॉर वन थर्ड ऑफ द टाइम, टोटल टाइम का वन थर्ड टाइम में वी वन वेलोसिटी से चल रही है एंड रिमेनिंग टाइम में कितने चल रही है वी टू से चल रही है, एवरेज वेलोसिटी पूछा है उसने, एवरेज वेलोसिटी पूछा है। आया किसी का आंसर? एवरेज वेलोसिटी निकालिए, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम करो, टोटल डिस्प्लेसमेंट कैसे निकाल सकते हो भाई, वन थर्ड टाइम वी वन वेलोसिटी से है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, रिया का आंसर आया भाई, रिया एंड हर्ष दो लोगों का आंसर आया, और किसी का आ जाए,
हम ये आंसर बताओ ऑप्शन सर ऑप्शन ए। ए हर्ष ऑप्शन ए ओके अंदर देखो माना कि हमारा टोटल टाइम टी था क्या बोल रहा है वो अ बॉडी मूव इन अ स्ट्रेट लाइन विद वेलोसिटी वी वन वन थर्ड ऑफ द टाइम माना टोटल टाइम टी था उसका वन थर्ड ये है वन थर्ड ऑफ टी टाइम ये है और फिर बचेगा कितना भाई वन थर्ड ये है तो टू थर्ड बचेगा कि नहीं यस सर टू थर्ड ये हो गया ठीक है अब यस सर डिस्टेंस क्या कर एस टी इक्वल टू डी होता है ना फॉर्मूला स्पीड टाइम डिस्टेंस का फॉर्मूला अब टोटल डिस्प्लेसमेंट वन थर्ड सेकंड में किसे चल रहा है वी वन से चल रहा है क्या मेरा इतना डिस्प्लेसमेंट होगा फर्स्ट फर्स्ट वन थर्ड सेकंड में और ये क्या होगा इनटू वी टू कर दू तो ये क्या होगा मेरा डी टू होगा इतना वन थर्ड टाइम में जो डिस्प्लेसमेंट होगा क्या वन थर्ड इंटू टी इंटू वी वन इतना डिस्प्लेसमेंट होगा सिमिलरली टू थर्ड टाइम में वी टू वेलोसिटी से चल रहा होगा तो कितना डिस्टेंस चलेगा डिस्प्लेसमेंट चलेगा टू थर्ड ऑफ टी इंटू वी टू बोलो समझ में आया कि नहीं आया यस सर तो मेरा मेरा वेलोसिटी क्या होता है वेलोसिटी क्या होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट मतलब डी वन प्लस डी टू डिवाइडेड बाई टोटल टाइम क्या है मेरा टी है भाई टोटल टाइम तो टी इक्वल टू क्या होगा वन बाई थ्री टी वी वन प्लस टू बाई थ्री टी वी टू डिवाइडेड बाई टी तो देखो टी से तो टी कैंसिल हो जाएगा ठीक है तो हमारा बचेगा क्या भाई वी वन बाई थ्री प्लस टू वी टू बाई थ्री तो वी वन बाई थ्री टू वी टू बाई थ्री ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर बोलो चमका यस सर यस सर अगर ये क्वेश्चन करो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पूछा है चीजों में ना तुम्हारा जंगल बिल्कुल नहीं आता अंशा आंसर बताओ बेटा फिर अंशा ऑप्शन सॉरी बी सर ऑप्शन बी ओके अनमोल बंसल ऑप्शन बी ओके सर ऑप्शन रिया हर्ष आंसर आया कि नहीं अभी हर्ष ठीक है सर देखो हमें क्या दे रखा है भाई हमें दे रखा है डिस्प्लेसमेंट एक्स इक्वल टू दे रखा है 4t² + 2t हमें पता है हमें पूछा क्या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है वी अभी हम पढ़े थे dx/dt तो इसको डिफरेंशिएट कर दो क्या होगा 4 × 2t + 2 होगा कि नहीं तो 8t + 2 हमें चाहिए कितने पे चाहिए भाई भाई टू टी इक्वल टू 2 सेकेंड पे चाहिए ना तो वी एट टी इक्वल टू 2 सेकेंड क्या होगा 8 × 2 + 2 यानी कि 8 × 2 16 16 + 2 यानी कि 18
मीटर पर सेकंड ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. बोलो चंका. यस सर. ठीक है. यस सर. ओके. अब ये क्वेश्चन करो भाई. ये आया हुआ क्वेश्चन है नीट 2017 का. प्रीति का क्वेश्चन आ गया भाई. प्रीति करो बेटा. प्रीति रीच्ड द मेट्रो स्टेशन एंड फाउंड दैट द एक्सेलेटर वाज नॉट वर्किंग. प्रीति बड़े मन से मेट्रो पे गई और लेकिन उसने देखा कि एक्सेलेटर जो था वो चल ही नहीं रहा था. शी वॉकड अप द स्टेशनरी एक्सेलेटर इन टाइम टी. एक्सीलेटर बंद था लेकिन उसने क्या किया कि बंद पे ही पैदल चलने लग गई सीढ़ियों के थ्रू. ठीक है भाई. T1 टाइम लग रहा. तो ऑन अदर डे इफ शी रिमेन्स स्टेशनरी ऑन अ मूविंग एक्सीलेटर देन द एक्सीलेटर टेक्स हर अप इन T2 टाइम. अच्छा देखो एक बात बताओ, जब वो पैदल चले या एक्सीलेटर लेके जाए हाइट तो सेम होगी. जिस हाइट पे जाना होगा वो हाइट तो सेम रहेगी ना दोनों केसेस में. तो उसने पूछा क्या है. द टाइम टेकन बाई हर टू वॉक अप ऑन द मूविंग एक्सेलरेटर. जब एक्सेलरेटर मूव कर रहा हो और खुद भी चले उसके ऊपर तब कितना टाइम लगेगा ये पूछा है भाई. करो
हाँ किसी का अच्छा चलो ठीक है, मैं करवाता हूँ इसको। आई थिंक आप थोड़े से कंफ्यूज हो। प्रीति रीच द मेट्रो स्टेशन विद एक्सीलेटर। एक्सीलेटर इज स्टॉप है। शी वॉक्ड अप ऑन अ स्टेशनरी एक्सेलरेटर इन टाइम T1। T1 टाइम में प्रीति क्या करती है, ग्राउंड से टॉप पे पहुंच जाती है। तो क्या मैं वेलोसिटी निकाल सकता हूं? माना कि लेट दी हाइट ऑफ फ्लोर जहां पे हमें जाना है इज h। क्या प्रीति h हाइट T1 टाइम में जा रही है, तो क्या मैं वेलोसिटी निकाल सकता हूं? क्या आएगी वेलोसिटी? एस टी इक्वल टू डी से स्पीड चाहिए मेरे को, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस क्या है मेरी? h। टाइम क्या लग रहा है मेरे को? T1। ये किसकी स्पीड आ गई? प्रीति की। यस और नो? यस सर। अब जब एक्सेलरेटर चल रहा है, ये कब है? व्हेन एक्सेलरेटर स्टॉप, व्हेन एक्सेलरेटर इज रनिंग रनिंग एंड प्रीति स्टॉप। प्रीति नहीं चल रही है, प्रीति नॉट वॉकिंग, ये लिख देते हैं नॉट वॉकिंग। प्रीति उसके ऊपर चल नहीं रही है, आराम से जाके खड़ी होगी। तब उसको टाइम कितना लग रहा है? T2 टाइम लग रहा है। तो क्या मैं एक्सेलरेटर की स्पीड बता सकता हूँ कि एक्सेलरेटर क्या होगा मेरा? मान लो एक्सेलरेटर क्या है मेरा, एच हाइट उतनी एच ले जा रहा है, टाइम कितना लग रहा है? T2 लग रहा है। बोलो चमका कि नहीं चल रही? अब जब दोनों चल रहे हैं, व्हेन बोथ रनिंग, तो भाई जब दोनों चलेंगे तो मेरी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? क्या मेरी वीपी प्लस वीए हो जाएगी? भाई दोनों चलेंगे ना, एक्सेलरेटर अपनी स्पीड से ऊपर लेके जा रहा है, प्रीति भी दौड़ के अपनी स्पीड से ऊपर जा रही है, तो जल्दी पहुंचेंगे। पहुंचेंगे कि नहीं भाई? तो क्या होगा हमारा वीपी प्लस वीए? क्या हो जाएगा वीपी प्लस वीए? यानी कि वीपी क्या है मेरा? एच ओवर T1 प्लस एच ओवर T2। कोई दिक्कत यहां तक किसी को? ये तो होगी मेरी टोटल वेलोसिटी। अच्छा किसी बच्चे के आए भी हैं आंसर, थोड़ा सा लेट हुए लेकिन कोई नहीं। तो एच ओवर V1 प्लस V2 हो गया। अब एक बात बताओ मेरे को कि क्लियर सी, कि एक बात बताओ, V1 प्लस V2 आपको पता चल गए, हमें क्या चाहिए भाई? हमें टोटल V पता है। क्या मैं बोल दूं कि जब दोनों चल रहे होंगे, दोनों चल रहे होंगे उस टाइम पर टाइम T लग रहा है, लेट लेट टाइम टी विल टेक व्हेन बोथ रनिंग। जब दोनों चल रहे हो तो टाइम टी लग रहा होगा। माना कि टी इक्वल टू क्या होगा? एच अपॉन वी होगा। वी मतलब एच अपॉन V1 प्लस V2 होगा कि नहीं होगा? बोलो। यस सर। कोई दिक्कत किसी को? अच्छा इसको नो हटा सर। देते हैं, ये काम का नहीं। हम एक काम करते हैं, यहीं से हम किसकी वेलोसिटी निकाल लेते हैं। यहां से काम करते हैं वी अपॉन वी ए अपॉन एच की। वी ए है ये, एक्चुअली में वी ए और वी पी। यहां से हम क्या करते हैं कि हम निकाल लेते हैं 1 अपॉन T2। क्या मैं लिख सकता हूँ वी ए अपॉन एच? लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? यहां से सिमिलरली यहां से कर दो कि 1 अपॉन T2 इक्वल टू VP/H। बोलो कोई दिक्कत किसी को? नो सर। देखो
मेरा आया t इक्वल टू h अपॉन va प्लस vp, उल्टा कर दो दोनों को, वन अपॉन t इक्वल टू va प्लस vp डिवाइडेड बाई h, तो उन दोनों को अलग अलग लिख दो, va अपॉन h प्लस vp अपॉन h। अब एक बात बताओ, va अपॉन h प्लस vp अपॉन h, va अपॉन h को क्या वन अपॉन t2 लिख सकता हूँ? बोलो, वन अपॉन टी टू प्लस वीपी अपॉन एच को क्या लिख सकता हूँ? वन अपॉन टी वन, वन अपॉन इसको टी वन लिखेंगे ना, वन अपॉन टी वन। अब जरा एलसीएम ले लो, टी वन टी टू मेरा एलसीएम आ गया, क्या होगा? टी वन प्लस टी टू होगा कि नहीं होगा? और ये किसकी वैल्यू है? वन अपॉन टी की, तो दोनों को उल्टा कर दो फिर से, तो टी इक्वल टू क्या होगा? टी वन टी टू डिवाइडेड बाई टी वन प्लस टी टू। बोलो कोई दिक्कत किसी को? नो सर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। बी नहीं, बी नहीं होगा, बी मैच नहीं कर रहा, सी मैच कर रहा है, सी इज द करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत किसी को? नो सर। अब ये लास्ट क्वेश्चन है जो कि मैं आपको होमवर्क में दूंगा, इसमें कुछ भी नहीं है। आपको क्या करना है, इफ अ पार्टिकल और इफ अ वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, वेलोसिटी दे रखी है ए एंड बी, आप क्या निकालना है? द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बिटवीन, अच्छा मैं इसको करवाऊंगा, इसको चलो छोड़ो, इसको अभी नहीं कर रहा है, इसको छोड़ो, मैं करवाऊंगा इसको बाद में, मैं ही करवाऊंगा, ठीक है? तो ये आपके होमवर्क में चार क्वेश्चन ये हैं, तीन क्वेश्चन ये, सात क्वेश्चन है आपके होमवर्क, तो ये सातों क्वेश्चन आपको करने हैं, ठीक है? तो आज हमने क्या क्या पढ़ाया जरा बता दो एक बार फास्ट, क्या क्या पढ़ाया आज हमने? वन डी के बारे में देखा, सॉरी डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट देखा, और क्या देखा? स्पीड एंड वेलोसिटी देखी, और क्या देखा? पोजीशन वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी देखी, और क्वेश्चंस, क्वेश्चंस। कोई डाउट आज की क्लास में? नो सर, नो सर। ऑल क्लियर है? ठीक है, फिर मिलते हैं अभी एक घंटे बाद, एक घंटे बाद फिर से मिलने वाले हैं अपन लोग, ठीक है? यस सर, यस सर। ओके देन।